प्यारे बच्चों, आपका ई लर्निंग हिंदी कक्षा में स्वागत है। और आज मैं तीसरी कक्षा के रिमझिम तीन का दूसरा पार्ट, जिसका शीर्षक है सेखी बाज मक्खी कहानी, के प्रश्न उत्तरों का पुनः अभ्यास कराऊंगी। और ये सारे प्रश्न उत्तर मैंने ई पोर्टल में भी दे दिया था, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं वो सारे प्रश्न उत्तर क्या थे। पहला प्रश्न था शब्दों के अर्थ पढ़ो और याद करो, ठीक है। मैंने इस कहानी से कुछ कठिन शब्द दिए थे और उसके अर्थ भी बताए थे, जैसे कि शोभा देना का अर्थ क्या होगा, अच्छा लगना, ठीक है। धन्य हो का बहुत अच्छा कहना, बर्बाद का अर्थ होगा खराब या नष्ट करना, ठीक है। विशालकाय का अर्थ है बड़े शरीर वाला, प्रणाम का अर्थ होगा नमस्ते और दूसरा अर्थ है नमस्कार, और हिम्मत का अर्थ होगा साहस, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न था किससे किसने कहा, आपको बताना है किसने किससे कहा, ठीक है। दूसरा प्रश्न था किसने किससे कहा, मतलब कुछ वाक्य दिए रहेंगे और आपको बतानी है कि यह वाक्य किसने किससे कहा, ठीक है। पहला वाक्य क नंबर देखिए, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। यह वाक्य किसने किससे कहा, यह वाक्य शेर ने मक्खी से कहा, ठीक है। ख नंबर देखिए, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा, यह वाक्य मक्खी ने शेर से कहा, ठीक है। अब आइए तीसरे प्रश्न में, कहानी में कौन कैसा था, सही वाक्य पर सही का निशान लगाओ, ठीक है। कुछ वाक्य दिए गए थे, उसे उसमें आपको सही का निशान लगाना था, जैसे हाथी डरपोक था तो यह गलत होगा, मक्खी आलसी थी यह होगा गलत, ग नंबर था लोमड़ी चालाक थी, हाँ ये वाक्य सही है, तो यहाँ सही का निशान होगा, ठीक है। उसके बाद आइए चार नंबर प्रश्न पर, प्रश्नों के उत्तर लिखो। क नंबर प्रश्न है कौन कहाँ आराम कर रहा था, तो क्या होगा उत्तर, शेर जंगल में आराम कर रहा था, ठीक है। ख नंबर प्रश्न था मक्खी शेर के ऊपर क्यों भिनभिना रही थी, तो क्या होगा, क्योंकि शेर ने दो तीन दिनों से स्नान नहीं किया था, ठीक है। ग नंबर प्रश्न था हाथी ने मक्खी को प्रणाम क्यों किया, क्योंकि हाथी मक्खी से बहस करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है, इसका उत्तर यह होगा। ख नंबर प्रश्न था जाल किसने बनाया था, तो क्या होगा, जाल मकड़ी ने बनाया था। अंग नंबर प्रश्न था इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न था सही अर्थ को रेखा द्वारा मिलान करो, ठीक है, आपको सही अर्थ पर मिलान करनी थी रेखा के द्वारा, जैसे क नंबर देखिए, आग बबूला होना इसका अर्थ क्या होगा, बहुत गुस्सा आना, ठीक है। ख नंबर है घमंड में चूर होना, इसका अर्थ होगा बहुत अधिक घमंड करना, ठीक है। फिर है ग नंबर, चुटकी बजाते ही खत्म करना, इसका अर्थ होगा कोई काम बहुत जल्दी कर लेना, ठीक है। ख नंबर है गुस्से से लाल होना, तो इसका अर्थ क्या होगा, बहुत अधिक गुस्सा होना। और अंग है खबर लेना, तो इसका अर्थ होगा डांटना फटकारना, ठीक है। यह सारे आपके प्रश्न उत्तर थे, तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।